एक सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है और वो ये कि वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड कैसे बदलें। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये है कि वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड क्यों बदलें? इसकी क्या जरूरत है? हो सकता है कि आप कोई रेस्टोरेंट या कैफे चलाते हैं और आप अपने कस्टमर्स को फ्री वाईफाई की सुविधा देना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक अक्सर अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड बदलते रहते हैं ताकि सिर्फ उन्हें ही वाईफाई मिले जो हाल ही में आए हैं, कई दिन या कई महीने पहले नहीं। हो सकता है कि आपके घर में कई दोस्त और कॉलीग्स आते रहते हैं और आपने पास्ट में उनके साथ अपना पासवर्ड शेयर किया था। अगर आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा का प्लान है तो ठीक, वरना हो सकता है कि जब आपके दोस्त या कॉलीग्स घर में आए तो आपका डेटा प्लान जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ऐसे में अपना पासवर्ड लगातार बदलते रहना ही अच्छा है। ये भी हो सकता है कि आपके वाईफाई कनेक्शन को किसी ने हैक कर दिया है और आपका डेटा सब यूज हो रहा है। आप अपने पासवर्ड को बदलकर ये चोरी रोक सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड कैसे बदलते हैं। इस वीडियो में मैं विंडोज 10 यूज करने वाली हूँ, लेकिन बाकी के विंडोज वर्जन में भी तरीका लगभग यही है। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें कर लीजिए। सबसे पहली कि लैन केबल या कैट 6 केबल ले लीजिए और दूसरी उस केबल को अपने राउटर या मॉडेम में डालकर दूसरा एंड अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए। मेरे पास एक मॉडेम कम राउटर है और मैंने पहले से ही लैन केबल अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दी है। अब हमें अपने राउटर की सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर नीचे देखिए, यह है सर्च। सर्च पर क्लिक किया और अब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं CMD। ये देखिए, ये है कमांड प्रॉम्प्ट, इधर क्लिक कर दीजिए। अब ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। इस विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ। यहाँ पर हमें टाइप करना है IPConfig, IPConfig, और एंटर पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये आपके वाईफाई कनेक्शन या लैन कनेक्शन की जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं वो आ गई। आपको जिस चीज पर ध्यान देना है वो है डिफॉल्ट गेटवे। ये देखिए, ये है डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपको ये डिफॉल्ट गेटवे पहले से पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो आप इस आईपी एड्रेस को कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें ये काम आएगा। अब हमारी लैन केबल तो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब हम ब्राउजर खोलते हैं। ये देखिए, हमने ब्राउजर खोला और अब यहाँ पर वही आईपी एड्रेस टाइप कर देते हैं, 192.168.0.1, और एंटर पर क्लिक किया। ये देखिए, ये सिस्को का मेरे पास राउटर है और ये इसका डिफॉल्ट गेटवे जो है ये खुल गया। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास यूजर नेम या पासवर्ड है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम नया नया राउटर इंस्टॉल करते हैं तो उस समय हमें एक यूजर नेम या पासवर्ड दिया जाता है और ज़्यादातर लोग इस पासवर्ड को बदलते नहीं। तो अगर आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता तो आप इंटरनेट पर जा करके इसे खोज भी सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है routerpasswords.com। हम routerpasswords.com पर आए और यहाँ पर आप अपने राउटर की कंपनी का नाम लिख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, हम यहाँ पर चुन लेते हैं। मेरा सिस्को है मेक, तो मैंने सिस्को पर क्लिक किया और एंटर दबाया और फिर फाइंड पासवर्ड पर क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पर सारे के सारे मॉडल्स आ गए और आपको डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बताया जा रहा है। तो आपका जोन सा राउटर है आप वो देख सकते हैं। ये तो सिस्को की बात हुई, अगर आपका किसी और कंपनी का है तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल साइट है। चलिए, मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पहले से पता है तो मैं अब यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए,
अब हम इस राउटर में लॉग्ड इन हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो मेरा पासवर्ड है, ये मेरा एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, ये मुझे दिख रहा है। अगर ये वाला डब्बा चेक नहीं होगा तो आपको ये इस प्रकार से दिख रहा होगा, और अगर आप इस कीप को शो कर देते हैं तो ये इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड दिख जाएगा। आप चाहें तो आप इस पासवर्ड को यहाँ पर बदल सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर है वायरलेस, वायरलेस पर गए और वायरलेस में ये है वायरलेस सिक्योरिटी, इधर क्लिक किया और ये देखिए ये दोबारा से आपका पासवर्ड या पास फ्रेज दिखा रहा है। हम चाहें तो हम इसे बदल भी सकते हैं। अब हम इसे बदल देते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया, और अब ये पासवर्ड बदल गया होना चाहिए। हम ऊपर यहाँ पर सेटअप पर जाते हैं और ये देखिए ये हमारा पासवर्ड अब बदल गया है। तो ये तो था हमारे नेटवर्क का नाम जो कि था एक्विक, इसे लोग SSID भी कहते हैं। ये है हमारे नेटवर्क का नाम और ये है पासफ्रेज जो कि है हमारा पासवर्ड। हमने अभी अभी इस पासवर्ड को बदल दिया। देखिए ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये सिस्को के लिए है। हो सकता है कि आपके राउटर कम मॉडम का जो इंटरफेस है, ये जिस तरह से ये स्क्रीन दिखती है, हो सकता है ये अलग हो, इसलिए आपको वायरलेस में जाना है और वायरलेस में आपको वायरलेस सिक्योरिटी में जाना है और वहाँ पर जा कर के आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये हमने चेंज कर लिया अपना पासवर्ड, अब हम इसे लॉग ऑफ कर देते हैं। ये देखिए ये हमने लॉग ऑफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी आपको अगर दोबारा से अपने वाईफाई में लॉगिन करना है तो आपको एक दो कदम और उठाने होंगे। ये देखिए अब फिलहाल तो हमारा जो इंटरनेट है वो हमने लैन केबल से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इस लैन केबल को निकाल देते हैं। ये देखिए ये लैन केबल मैंने हटा दी और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब ये सिर्फ वाईफाई कनेक्शंस ही दिखा रहा है। तो अब मैं अपने वाईफाई कनेक्शन पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर लिखा है कनेक्ट, तो मैं कनेक्ट पर क्लिक करती हूँ। आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, वो देखिए वो बोल रहा है कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। अगर आप नॉर्मल कोर्स में अगर आप सामान्य रूप से यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आपको इस नेटवर्क को फॉरगेट करना होगा। आपको अपने कंप्यूटर में जाकर के नया पासवर्ड डालना होगा, वरना आप इस वाईफाई कनेक्शन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखिए ये रही नेटवर्क की सेटिंग्स, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा कनेक्शन, हमने इधर क्लिक किया और ये रही मैनेज वाईफाई सेटिंग्स, हम इधर क्लिक कर देते हैं। अब ये रहा हमारा नेटवर्क, हम इधर क्लिक करके और इसे फॉरगेट कर देते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप इसे भूलिएगा मत। तो ये हमने डिसकनेक्ट कर दिया, अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। वापस यहाँ पर ये वाईफाई है, इधर क्लिक किया, अब ये डब्बा खुल गया, ये दोबारा से हमारा वाईफाई कनेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, हम इधर क्लिक कर देते हैं। और जब आप पहली बार इस वाईफाई कनेक्शन में नए पासवर्ड के बाद कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट देगा। ये देखिए कनेक्ट पर क्लिक किया, अब वो आपसे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी की डालने को बोल रहा है। हम यहाँ पर अपना नया पासवर्ड एंटर कर देते हैं, तो ये रहा हमारा नया पासवर्ड और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए उसने हमारा पासवर्ड वेरीफाई किया और अब हम एक्विक के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो आखिरी स्टेप था ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आप इसे भूलिएगा मत और आप अपने वाईफाई के साथ नए पासवर्ड के साथ कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। जाने से पहले एक बात आपको ज़रूर बता दूँ और वो ये कि ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ज़रूरी नहीं कि हर
पीसी में या हर कंप्यूटर में सेम हो। इसलिए जो कमांड प्रॉम्प्ट का स्टेप था वो बहुत ज़रूरी था। आप जाइए और CMD करके अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेम एड्रेस टाइप करते हैं तो हो सकता है कि आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे ना खुले। तो बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनट्स में आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को खुद ही बदल सकते हैं और हैकर से बच सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड आसानी से कैसे बदलते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।